Hi friends, welcome back again to my channel Sunil Kumar Creative Hairstylist. I'm Sunil and today I'm going to show you this latest hairstyle hair tutorial. I hope you will like this video, watch this video from starting to end to learn this hairstyle. So don't be delayed, let's start. हेलो दोस्तों, जैसे कि हर एक स्टाइलिंग करने से पहले करते हैं हम नीट एंड क्लीन ब्रो डाई, ऐसे ही करना है आपको भी। और सेक्शनिंग लेनी है आपको कुछ इस तरीके से, ए टू एल सेक्शन। ये देखिए जैसा मैंने दिखा रहा हूँ आपको, सेम इसी तरीके से आपको सेक्शनिंग लेनी है। ये देखिए जब हम स्टार्ट करेंगे बैक ऑन टॉप एरिया से, ठीक है, इतनी ही थकनेस का आपको सेक्शन लेना है। एंड देन बैक कॉम करेंगे हम, स्ट्रांग बैक कॉम करना है दोस्तों, कम से कम 2 से 2.5 इंच तक आपको बैक कॉम करना है। ये देखिए इसी तरीके से आप बैक कॉम करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ सेम। और जो पीछे का सेक्शन लेंगे आप, फ्रंट के सेक्शन को कवरअप करते हुए लेना है ताकि बीच में आपकी लाइंस क्रिएट ना हो, पफ के बीच में आप डिस्कनेक्ट ना हो आपका पफ। ये देखिए सेम साइड से भी आपको सेम थिकनेस का सेक्शन लेना है, बैक कॉम करना है, प्रॉपर वे से स्प्रे करना है दोस्तों। ये देखिए इतना आपको 2 से 2.5 इंच इतना मैं बता रहा हूँ आपको फिंगर्स के थ्रू, आपको ऐसे ही इतने ही थिकनेस का आपको बैक से जो है बैक कॉम करना है। ये देखिए कम से कम 2 से 2.5 इंच आपको बैक कॉम करना है, बैक कॉम स्ट्रांग रखना है दोस्तों। ये देखिए मैं आगे से पीछे की तरफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पीछे जो है बैक पफ चाहिए और बैक वॉल्यूम चाहिए वो स्टाइलिंग क्रिएट करने के लिए। देखिए खास तरह के जितने भी एडवांस हेयर स्टाइलिंग होते हैं उनमें नॉर्मली जो होता है आपका पफ जो होता है वो ऐसे ही बने होते हैं, वो बैक वॉल्यूम होता है। ये देखिए आपको जब सेक्शन नीचे डालेंगे तो आपको स्प्रेड करते हुए डालना है ताकि आपके बीच में लाइन्स क्रिएट ना हो और चारों तरफ इवन पफ आए, इवन साइड पफ में। ये देखिए मैंने जैसे डाल रहा हूँ सेम आपको ऐसे डालना है, कॉम करना है हल्के हाथों से, स्ट्रॉन्ग नहीं करना कॉम, बिल्कुल ऊपर ऊपर से आपको कॉम करना है, हल्के हाथों से कॉम करना है कि आपको ऊपर ऊपर फिनिशिंग देनी है ताकि नीचे वॉल्यूम बैठे ना। देन फिर हम जो है देन टॉप एरिया का सेक्शन लेंगे हम, सेम थिकनेस का सेक्शन लेना है आपको ये भी, जैसे आपने पीछे लिया था इसको आप कॉम करेंगे, इसको भी पीछे बैक कॉम करना है आपको, स्ट्रॉन्ग बैक कॉम करना है, स्प्रे करना है आपको प्रॉपर। देन आप इसको पीछे मर्ज करेंगे दोस्तों इस वे से, ये देखिए जैसे मैंने किया आपको बिल्कुल हल्के हाथों से आपको कॉम चलानी है, बिल्कुल ऊपर ऊपर आपको कॉम चलानी है, फिनिशिंग देना है। छोटे छोटे फ्रिजी बालों को बिठाएंगे आप, ये देखिए जितने पार्ट को जितने बालों को आपने बैक कॉम किया है आपको इसको हल्के हाथों से इसको होल्ड करना है। देखिए जैसे मैंने होल्ड किया हुआ है और उसको नीट कर रहा हूँ, बिल्कुल हल्के हाथों से आपको कॉम चलानी है, दोनों तरफ से आपको देखना है कि आपने बराबर बाल लिए हुए हैं, हल्के हाथों से आपको पकड़ना है एंड फिंगर की टिप से आपको ये लाइन्स क्रिएट करनी है, सॉफ्ट वे बोलते हैं इनको, सॉफ्ट वे, बिल्कुल सॉफ्ट लुक के दे रहे हैं हम, सॉफ्ट कब्बू बना रहे हैं तो बेसिकली आपको ऐसे हल्का सा सॉफ्ट वे देना है। देखिए फिंगर की टिप से उठाना है दोस्तों, स्प्रे नहीं करना है इसमें बिल्कुल भी नहीं, ज़्यादा स्प्रे नहीं करना है बिल्कुल, आपको हल्का जितनी नीड होगी उतना करना है, पर ज़्यादा स्टिकी लुक नहीं देना है हमें, बिल्कुल सॉफ्ट वेव देना है, तो आपको ज़्यादा इसमें स्प्रे यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल फिंगर्स की टिप से आपको उठाना है तो आपकी नेचुरली जैसे आप उठाएंगे तो लाइन्स क्रिएट हो जाएंगे। हल्के हाथों से आपको नीचे होल्ड करके रखना है दोस्तों, पहले आपको लाइन्स ऐसे क्रिएट कर लेनी है, आपको अभी पिनअप नहीं करना है। देन रबर बैंड से आप इसको बस आपकी लाइंस क्रिएट बिगड़नी नहीं चाहिए, आपको हल्के हाथों से रबर बैंड से इसको पोनी टाइप में बांध देना है। देखिए इससे आपका बैक पफ भी बन गया, वॉल्यूम भी बन जाता है और आपको हल्के से ये लाइंस जो आपने दे रखी है आपको उनको शार्प करना है, ये सॉफ्ट वेव जो आपने बना रखी है आपको उनको शार्प करना है। ये दोस्तों उन लाइन से बिल्कुल डिफरेंट है जो मैंने आपको पहले की वीडियोज़ में बताए हुए हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट वेव है, इनको आप और भी शार्प कर सकते हो, बिल्कुल इनको पुल करना है आपको, पुलिंग टेक्निक यूज़ करनी है, हल्के हाथों से बिल्कुल पुल करना है, ज़्यादा नहीं खींचना है दोस्तों, ज़्यादा खींचोगे तो सारी आपकी वो लेयर बाहर आ जाएगी और हीटू खराब हो जाएगा, बिल्कुल आपको हल्के हाथों से ही पुश करना है इसको, खींचना है, पुल करना है। देखिए देन हम आएंगे फ्रंट के सेक्शन के लिए, फ्रंट के सेक्शन को आप देख लो फेस लुक कौन सा अच्छा लग रहा है, इस साइड में भी ले सकते हो आप और जहाँ आपको सुटेबल लगे आप उस साइड में डिसाइड करके आपको और जिधर बेटर लुक आ रही है आप उधर साइड में आप फ्रंट लुक दे सकते हो। मुझे इधर ज़्यादा बेटर लग रहा है तो सो मैं इधर दे रहा हूँ, अगर आपको अपोजिट साइड में लेफ्ट एंड राइट आप प्ले करके देख सकते हो, जहाँ आपको बेटर लुक लगे आप उधर इसको दे सकते हो। देन हम साइड के सेक्शन को लेंगे, इसको भी हम बैक कॉम करेंगे दोस्तों, अच्छे से बैक कॉम करना है, क्लीन करना है, देन आपको स्प्रेड करते हुए इसको पीछे ले जाना है। देखिए मैंने हल्का फिंगर से इसको स्प्रेड किया और पीछे इसको जूड़ा पिन से आपने इसको होल्ड कर देना, देन इसके बीच में आपको फिंगर की टिप से सेम फिर से सॉफ्ट वेव देनी है। देखिए मैंने हल्का सा फिंगर से उठा के सॉफ्ट वेव क्रिएट कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे करना है। फ्रंट के लिए सेक्शन छोड़ देंगे, देन सेम अगेन सेम टेक्निक बैक कॉम स्प्रे, ये देखिए और कॉम करेंगे अच्छे से, नीट करेंगे इसको
और हल्के हाथों से स्प्रेड करते हुए पीछे ले जाएंगे। देखिए हल्के हाथों से स्प्रेड करना है और उसको पीछे ले जाना है, बिल्कुल उसका जूड़ा पिन से हल्का सा उसको होल्ड करना है, आपको लॉक नहीं करना भी, बिल्कुल होल्ड करके रखना है। पहले आपको इसके ऊपर सॉफ्टवेयर वेव देनी है, देखिए सॉफ्टवेयर वेव बन जाएंगे, देन आप उसको आप पीछे लॉक कर सकते हो बॉपिन से, बट आपको पहले ये सॉफ्टवेयर वेव बनानी है। देखिए देन अगेन हम सेम जो है अपोजिट साइड से करेंगे, क्राउन एरिया आपको सेपरेट कर लेना है, ये देखिए। देन सेम टेक्निक जैसे हमने उस साइड में किया सेम इधर करेंगे, इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे पहले, ये देखिए आपको भी ऐसे सेक्शन लेना है, इसको नीट करेंगे दोस्तों, हल्का सा बैक कॉम स्प्रे, देन इसको स्प्रेड करते हुए पीछे ले जाएंगे। देखिए स्प्रेड किया फैला के बिल्कुल नीचे डाउनवर्ड्स की तरफ, और इसको जूड़ा पिन से आपको पीछे होल्ड कर देना है। देन जो आपने सॉफ्टवेयर वेव दी है उनको और शार्प करना है, बिल्कुल फिंगर की टिप से आपको उठाना है। फ्रंट के लिए सेक्शन छोड़ेंगे सेम आपको बैक कॉम करना है, सेम स्प्रे एंड अगेन इसको स्प्रेड करते हुए पीछे ले जाना है। देखिए जैसे मैं ले जा रहा हूँ ऐसे आपको फिंगर की टिप से आपको ये वेव देनी है। देन जूड़ा पिन से ये देखिए मैं आपको जूड़ा पिन से आपको ये देखिए जूड़ा पिन से आपको इसको होल्ड करके रखना है। देन आपको उसमें बाद में उसको जो है आपको बॉपिन से उसको लॉक कर देना है, ये देखिए सेम आपको ऐसे ही करना है दोस्तों। देन आते हैं हम टॉप एरिया पे, इसको अच्छे से पहले आपको कॉम कर लेना है सारे बालों को, जिधर आपको पार्टिंग देनी है उस साइड में ले लीजिएगा। देन आपको सेक्शन लेना है टॉप एरिया से, एक छोटा सेक्शन निकालेंगे आप, जिधर आपको पार्टीशन देना है हमें उसकी तरफ सॉफ्टवेयर वेव क्रिएट करना है टॉप एरिया के लिए। या देखिए आपको ये सेक्शन लेना है इतनी थिकनेस का, इसको आप बैक कॉम करेंगे, प्रॉपर बैक कॉम करना है आपको, स्प्रे करना है। देन जिधर आप पार्टीशन दे रहे हो उधर आपको स्प्रेड करते हुए इसको ले जाना है, देखिए उसी की साइड में जिधर मैं पार्टीशन दे रहा हूँ इधर ही हम पार्टिंग देंगे, तो हम स्प्रेड करते हुए उसको पीछे ले जाना है और जूड़ा पिन से उसको होल्ड कर देना है। देन इसके ऊपर भी हम हल्की सॉफ्टवेयर वेव क्रिएट करेंगे, ये देखिए वो सॉफ्टवेयर वेव क्रिएट करना है, हल्का सॉफ्टवेयर वेव चाहिए आपको, बिल्कुल फिंगर के टिप से आप उसको नीट करेंगे, क्लीन करेंगे, ज़्यादा स्प्रे नहीं करना दोस्तों, और ज़्यादा आपको शार्प वेव क्रिएट नहीं करनी है, बिल्कुल ये बेसिकली हल्का हल्का सॉफ्ट टेक्सचर रहना चाहिए, तभी ये स्टाइलिंग डिफरेंट लगेगी आपको, नहीं तो फिर लाइंस वाला अपडू बन जाएगा आपका। ये थोड़ा अलग है, इसकी लुक अलग है, इसका स्टाइलिंग टेक्निक थोड़ा अलग है। सेम टॉप एरिया का सेक्शन लेंगे हम और अपोजिट साइड में, पहले इस साइड दिया था सेम, इधर से भी हम सेम लाइंस देंगे, सेम वेव्स देंगे दोस्तों। पफ में इवेनस रहनी चाहिए आपका, जो अपडू है बैलेंस रहना चाहिए, कहीं से दबा कहीं से उठा नहीं होना चाहिए, सो आपको थोड़ा सा बैलेंसिंग करना है उसको, तो आप सेक्शन यूज़ करके उसमें देखो, जैसे इसमें भी उस साइड में हमने सॉफ्टवेयर वेव क्रिएट किया है, इधर भी आपको सॉफ्टवेयर वेव क्रिएट करना है, सेम टेक्निक और सेम लाइंस आप सॉफ्टवेयर वेव क्रिएट करेंगे। ये देखिए इसी तरीके से आपको करना है स्प्रे दोस्तों, ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल हल्का ही आपको स्प्रे रखना है, ज़्यादा स्प्रे करोगे दोस्तों तो बाल स्टिकी हो जाएंगे और आपका स्टाइल भी जो है वो थोड़ा स्टिकी दिखेगा, तो आपको बिल्कुल नेचुरल लुक देना है, तो आपको नेचुरल लुक के लिए आपको स्प्रे कम ही करना है। देन फ्रंट सेक्शन पे आते हैं, इसको आपको नीट करना है, हल्का सा ऊपर से आपको पकड़ना है और उसको ट्विस्ट करना है दोस्तों, कॉम किया ऐसे कॉम करना है, देखो मैंने ट्विस्ट कर दिया, आपको भी ऐसे ट्विस्ट करना है। देन फिंगर से आपको अगेन सॉफ्टवेयर वेव उठानी है, देखिए आपको बिल्कुल हल्का पुल करना है, हल्के हाथों से आपको पुलिंग टेक्निक यूज़ करनी है, तो आपके सॉफ्टवेयर वेव ऑटोमेटिकली कम आ जाएंगी। ये देखिए बिल्कुल हल्का हाथों से खींचना है आपको, तो आपके सॉफ्टवेयर वेव की विजिबिलिटी हो जाएगी, बन जाएंगी। देन नीचे के सेक्शन को आपको कॉम करना है, उसको स्प्रेड करते हुए पीछे ले जाना है, देखिए कॉम किया स्प्रेड किया हल्के हाथों से आप पीछे ले जाना दोस्तों। स्प्रेड तभी होएगा बाल जब आपका हेयर स्टिकी नहीं होगा, आपको बिल्कुल स्प्रे ज़्यादा नहीं करना है, अगर आप पहले स्प्रे ज़्यादा मार दोगे तो आपके हेयर स्टिकी हो जाएंगे और वो बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होएगा, तो आपको बिल्कुल नेचुरल रखना है बाल, हल्का सा स्प्रे मारना है ताकि फ्रिजी बाल बैठ जाए, सारे बाल इवनेस आ जाए, देन उसको हल्का सा स्प्रे मार के आप उसको स्प्रेड करना है। ये देखिए पीछे ले सेक्शन को हम बॉपिन से आप लॉक कर देंगे, ये देखिए ये बॉपिन लेनी है आपको, जो हम जितने भी सारे सेक्शन हम पीछे ले गए थे जिन्हें हमें जूड़ा पिन से हमने होल्ड किया था, सारे सेक्शन को हम जो है बॉपिन से लॉक कर देंगे। ये देखिए सेम अदर साइड से भी आपको बॉपिन से लॉक कर देना है। देन जो है दोस्तों हमें जो है सेक्शनिंग डिवाइड करनी है,
सेंटर सेक्शन को अलग करेंगे हम और साइड सेक्शन को हम अलग अलग कर देंगे। ये देखिए दोनों साइड में बराबर सेक्शन डिवाइड करके सेंटर सेक्शन को हम सेपरेट कर लेंगे। अब बाकी दोनों सेक्शन जो साइड के सेक्शन हैं हमें बॉबिन से अपनी अपनी साइड में उनको बॉबिन से लॉक कर देना है बाहर की तरफ। सेंटर सेक्शन को नीट करेंगे, आपके सॉफ्टवेयर वेव को विजिबिलिटी को आपको नीट करना, जहाँ फ्रिजी लगे बालों को आपको नीट करना प्रॉपर वे से। ये देखिए सेम डन लेंगे हम डोनट। ये देखिए डोनट आपको इस तरीके से लगाना है, इसके बीच में से आप बेसिकली पोनी को आप इसके बीच में से निकाल लेते हैं। देन जूड़ा पिन से आपको डोनट को लॉक करना है, इसको आप हल्का सा डोनट में जूड़ा पिन फंसाते हैं, देन अगेन हेयर से अंदर डाल के उसको फिर से अगेन आप डोनट में इसको फिक्स कर देते हैं, इससे डोनट होल्ड हो जाता है। देखिए जैसा मैं कर रहा हूँ बिल्कुल आपको नीचे से डोनट से थोड़ा सा पार्ट लेके आपको बालों से भी थोड़ा पार्ट लेके फिर से डोनट में घुसा देना होता है जूड़ा पिन, जिससे वो लॉक हो जाता है दोस्तों, डोनट आपका लॉक हो जाता है। ये देखिए सेम टेक्निक से आपको डोनट लगाना है। देन दोस्तों हम इसमें किसके ऊपर भी देंगे हम सॉफ्ट वेव विथ ट्विस्ट टेक्निक के साथ में आपको इसको यूज़ करना है, हल्का सा बाल को घुमाया ट्विस्ट करना है आपको। देन इसके बीच में आप हल्की सी लाइन्स पुलिंग टेक्निक के साथ में आपको ये सॉफ्ट वेव उठानी है। ये देखिए मैंने इसको ट्विस्ट करके ऊपर डाला, देन बीच में जो सॉफ्ट वेव देना है आपको वो करेंगे। देन आप जो है इनको जो है जूड़ा पिन से भी आप इनको होल्ड कर सकते हैं, ताकि आपने जो सेपरेशन दिया हुआ है जो सॉफ्ट वेव आपने दी हुई है उनकी विजिबिलिटी रहे और शार्प रहे। ये देखिए सेम आपको जो है वेव्स क्रिएट करनी है, जूड़ा पिन से आप इसको होल्ड करेंगे, जूड़ा पिन से आप सेपरेशन देंगे ताकि वो शार्प रहे, बिगड़े ना आपकी लाइन जो भी आपने सॉफ्ट वेव क्रिएट करी है दोस्तों। देन अगेन सेम सेक्शन आप अदर साइड से भी आप सेम टेक्निक यूज करेंगे, कॉम करेंगे, देन अगेन आपको ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद सेम अगेन पुलिंग टेक्निक, पुल करना है फिंगर की टिप्स से खींचना है आपको बाल। ये देखिए अलग अलग आपकी सेक्शनिंग डिवाइड हो गई है, सॉफ्टवेयर वेव आ गया तो आपको उसको जो है जूड़ा पिन से आपको उसको होल्ड कर देना है। देन आप साइड पे इसको ले जाके अगेन दूसरी साइड पे उसको जूड़ा पिन से आप उसको सॉफ्ट होल्ड कर देंगे। ये देखिए इसी तरीके से आपको करना है, जो भी सॉफ्टवेयर वेव आपने दिया है दोस्तों उसकी विजिबिलिटी होनी चाहिए, ज़्यादा स्प्रे नहीं करना आपको, स्टिकी लुक नहीं देनी हमें, सॉफ्टवेयर लुक देना है तो आप फिनिशिंग के चक्कर में आपको ज़्यादा स्प्रे नहीं मारना है, बिल्कुल हल्का सा ही आपको स्प्रे मारना है, वो लुक आना चाहिए, सॉफ्ट लुक आना चाहिए आपके स्टाइलिंग में, तो आपको स्प्रे बिल्कुल थोड़ा हाथ रोक के काम करना है, स्प्रे ज़्यादा नहीं मारना है। सेम अगेन ट्विस्ट टेक्निक एंड देन पुलिंग, ट्विस्ट एंड पुलिंग टेक्निक दोनों यूज़ करेंगे आप इसमें। ये देखिए जूड़ा पिन से आपको होल्ड करना है इसको, सेम अगेन ट्विस्ट एंड पुलिंग, ट्विस्ट करना है पुल करना है, ट्विस्ट करना है पुल करना है, सेम ये टेक्निक आप होल आपके जो आप जूड़ा बना रहे हैं पीछे वो लपड़ों में आपको यूज़ करनी है सेम टेक्निक। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट रखना है आपका जो नेचुरल बाल है, जो आपने ब्लो ड्राई किया हुआ बाल है उसी में ही आपको बिल्कुल ये लाइन्स क्रिएट करनी है, देन आपको जूड़ा पिन से होल्ड करना है तभी ये सॉफ्ट लुक आएगा। अगर आप ज़्यादा स्प्रे करेंगे तो दो स्टिकी हो जाएगा स्प्रे, सॉरी हेडो आपका, तो आपको स्प्रे ज़्यादा नहीं करना है। बस जब आपकी सॉफ्ट वेव क्रिएट हो जाए, जब आपकी वेव बन जाएंगे तब आप उनको शार्प करने के लिए हल्का सा स्प्रे मार सकते हो, ताकि उनकी शार्पनेस बढ़े और उनकी विजिबिलिटी अच्छी लगे, उनकी विजिबिलिटी हो। देन सेम अगेन स्प्रे करना है, छोटे छोटे फ्रिज वालों को बिठाएंगे आप, देन सेम ट्विस्ट टेक्निक इसको ट्विस्ट करना है, देन अगेन पुलिंग टेक्निक यूज़ करनी है, ट्विस्ट एंड पुलिंग टेक्निक दोनों यूज़ करेंगे आप। ये देखिए जो भी आपने वेव्स दी हैं उनको आप सेपरेट करेंगे, जूड़ा पिन से आप उनको होल्ड करेंगे। ये देखिए सेम इसी तरीके से आपको करते जाना है, फर्स्ट सेक्शन आप इस राइट साइड से लेंगे, देन लेफ्ट में, लेफ्ट से फिर राइट में, लेफ्ट से फिर राइट में, राइट से फिर लेफ्ट में, ऐसे आपको एक सेक्शन इधर से उधर इधर से उधर ऐसे आपको यूज़ करते जाना है। ये देखिए देन अगेन बाकी के जो बाल हैं सेम टेक्निक आपको यूज़ करनी है। ये देखिए कॉम करना है आपको अच्छे से, नीट करना है, छोटे छोटे बालों को बिठाना है आपको, देन सेम अगेन पुलिंग एट ट्विस्ट टेक्निक आपको यूज़ करनी है।
एंड जूडा पिन से आपको उसको होल्ड करना है, सेपरेशन क्रिएट करना है। ये देखिए स्प्रे से आपको नीट करना है दोस्तों, जो एंड के बाल होते हैं थोड़ा फ्रिजी होते हैं तो आप उसके लिए उनमें थोड़ा स्प्रे यूज़ कर सकते हो, थोड़ा फ्रिजी होते हैं वो तो आपको स्प्रे करना पड़ेगा उनके लिए ताकि वो भी नीट आए। सेम अगेन ट्विस्ट टेक्निक एंड उसको ट्विस्ट करके आप उसको जो है हल्का सा फिर पुल करेंगे, खींचेंगे, पुलिंग टेक्निक यूज़ करना है। ये देखिए हल्का सॉफ्ट वेव क्रिएट करना है होल एब्डोमेन में, होल हेयरस्टाइलिंग में आपको सेम टेक्निक यूज़ करनी है, ट्विस्ट एंड पुलिंग टेक्निक का मिक्सिंग है ये, आपको सी टेक्निक इससे ये एब्डो बनाना है दोस्तों। देखिए ट्विस्ट किया देन पुलिंग टेक्निक, जूड़ा पिन से आपको इसको होल्ड करना है या लॉक करना है। ये देखिए स्प्रे करना है, नीट करना है आपको, देन जो एंड के छोटे छोटे सेक्शन बन जाएंगे तो बच जाएंगे, उनको भी आपको सेम टेक्निक से आपको जो है उनकी प्लेसमेंट के हिसाब से जहां उनका लुक बेटर आ रहा है आपको वहां फिक्स करना है। ये देखिए सेम सेक्शन आपको क्रिएट करना है। ये देखिए हल्की सॉफ्ट वेव देनी है इसमें भी, जूड़ा पिन से आप इसको होल्ड कर देंगे। बीच के जो छोटे छोटे हेयर आते हैं दोस्तों उनको टेल कॉम के टेल से जूड़ा पिन से आपको उनको नीट करना है, सॉफ्ट लुक देनी है, बेसिकली आपको उनको नीट करना है, फ्रिजी नहीं रहना चाहिए बाल। देन साइड के सेक्शन के लिए आपको जो हमारे बचे हुए हेयर हैं इनको भी हम सेम ट्विस्ट टेक्निक से यूज़ करेंगे, स्प्रे करेंगे, कॉम करना छोटे छोटे बालों को मर्ज करके, देन अगेन सेम ट्विस्ट टेक्निक। और जहाँ पे आपको नीट पड़े तो आपको बॉब पिन से भी लॉक करना पड़ेगा, तो बॉब पिन और जूड़ा पिन दोनों यूज़ करनी है आपको। ये देखिए हल्का सा सॉफ्ट है, आपको पुलिंग टेक्निक से सॉफ्ट वेव क्रिएट करना है, बैलेंस देखना है जूड़े का दोस्तों, दोनों तरफ से कहीं से उठा हुआ कहीं से दबा हुआ नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, जहाँ से लगे आपको वहाँ से आपको और भी वेव्स क्रिएट करनी पड़ेंगे, आपको खुद चेक करना है, जूड़ा तिरछा भी नहीं होना चाहिए, आपको सेंटर में बनाना है बिल्कुल, जहाँ पे अनबैलेंस लगे वहाँ पे आप और भी सॉफ्ट वेव क्रिएट कर सकते हैं। डोनट ज़रूर यूज़ करना है इस स्टाइलिंग के लिए, डोनट नहीं है अगर आपके पास में तो आप स्टफिंग भी यूज़ कर सकते हैं, फेक हेयर भी लगा सकते हैं बेस के लिए। ये देखिए सेम ट्विस्ट टेक्निक है, एंड अगेन आपको सॉफ्ट वेव क्रिएट करना है। ये देखिए मैंने जूड़ा पिन से लॉक कर दिया उधर, बॉब पिन से सॉरी, स्प्रे करना है। ये देखिए इसी तरीके से आपको सारा जूड़ा बनाना है, सारा ब्लू बनाना है, इसी वे से सेपरेशन देते रहना आपको, बीच में नीट करते रहना है, स्प्रे करते रहना, हल्का स्प्रे करना है, ज़्यादा नहीं करना आपको स्प्रे आप स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला भी ले सकते हो, लेकिन दोस्तों ज़्यादा स्प्रे नहीं करना, बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल हल्का स्प्रे मारना है। ये देखिए बाकी जो हमारे सेक्शन छोटे हुए हैं इनको भी हम सेम टेक्निक से यूज़ करेंगे, प्लेसमेंट के हिसाब से जहाँ आपको बेटर लगे, जब आप हेयर स्टाइलिंग क्रिएट कर रहे हो तो आपको यही टेक्निक यूज़ करनी है, देन उस हिसाब से आपको उनको एडजस्ट करना है जहाँ पे उसकी प्लेसमेंट अच्छी आ रही हो, लुक अच्छा आ रहा हो, वहीं पे आपको जो है सेक्शन रेस्ट ऑफ सेक्शन को आपको उसको फिक्स करना है। टेलकॉम की टेल से भी आपको उसको नीट करते रहना है। देखिए जूड़ा पिन से इसको भी आप लॉक कर देंगे, देन रेस्ट ऑफ हेयर को आप जूड़ा पिन से अगेन नीचे ले जाके इसको आप इसको लॉक कर देंगे। ये देखिए दोस्तों जहाँ से आपको लगे आपको जूड़ा पिन से कहीं पे आपका सेक्शन लूज हो रहा है तो आपको उसको नीट करना है, टेलकॉम से आपको फिनिशिंग देनी है, स्प्रे करना है, नीट करना है, स्प्रे करना है, नीट करना है, ये फिनिशिंग है, ऑलमोस्ट डन है हेयरडू दोस्तों। इसी तरह से आपको बोल स्टाइलिंग करनी है दोस्तों, ऑलमोस्ट डन है, ये देखिए वीडियो का फाइनल लुक है। देन हम इसमें लगाएंगे हेयर एसेसरीज, उससे पहले करते हैं हम फ्रंट के सेक्शन को कर्ल्स। ये देखिए आपको इस तरीके से कर्ल्स करना है, 25 mm की टोंग है, आपको बिल्कुल सॉफ्ट वेव देना है, तो हल्के हाथों से आप उसको टोंग कर लेंगे। ये देखिए सेम अगेन
बिल्कुल आपको टोंग से उसको घुमाना है, रोल 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 होल्ड करना है थोड़ा सा 5 से 7 सेकेंड, देन इसको आप छोड़ देंगे। ये देखिए बड़ी ही सॉफ्टर लुक आती है दोस्तों, ये देखिए ये जो स्टाइलिंग है बेसिकली बहुत सॉफ्ट लुक स्वीट लुक देता है, तो आप किसी के वेडिंग फंक्शन के भी लिए बना सकते हो, और वेस्ट में हेयर स्टाइल कोई मांगता है वेस्ट में अपडू, तो आप उसके लिए क्रिएट कर सकते हो। एंगेजमेंट के फंक्शन के लिए, रिसेप्शन के लिए आप ये स्टाइलिंग क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। किसी ने गाउन पहना हो उसके लिए भी ये स्टाइलिंग आप दे सकते हो। एसेसरीज आप क्राउन पे भी लगा सकते हो और बैक में भी लगा सकते हो दोस्तों। मैं इसकी एसेसरीज जो है बैक में लगा रहा हूँ। ये देखिए आपको एसेसरीज कुछ इस तरीके से लगानी है। ये देखिए ये थोड़ी फ्लारी एसेसरीज है, तो आप कोई क्राउन भी अगर कुछ गोल्डन है सिल्वर है कुछ भी लगा सकते हो स्टाइलिंग के अकॉर्डिंग या ड्रेस के अकॉर्डिंग। ये देखिए आपको इस तरीके से आपको हेयर एसेसरीज लगानी है। ये ऑलमोस्ट हेयर स्टाइलिंग का वीडियो का एंड है दोस्तों, ये फाइनल लुक है। प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, मेंशन ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप वीडियो देखते हैं और आपको वाकई में पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, ऐसे हमें पता लगता है हमारी बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आ रही है दोस्तों। वैसे तो आप लाइक कर ही देते हैं पर फिर भी जो भी लोग आप लोग देखते हो प्लीज़, तो अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर उसको अप्रिशिएट किया करें दोस्तों। हमें अच्छा लगता है और प्रोत्साहन मिलता है हमें कि हमारी बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई। और अगर डिसलाइक करते हैं तो मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्यों पसंद नहीं आई है। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नई स्टाइलिंग में नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर। Hi friends, I hope you will like this video. If you like this video, please press the thumbs up button for the video and subscribe my channel. Share this video with your friend and those people also who really need it. Friends, every week I make this kind of hairstyle for you guys. So if you have any question or suggestion or any hairstyle pictures on your mind, please share with us. Then I will definitely make those hairstyle for you guys. Friends, if you have come first time on my channel, please subscribe my channel. Apply the icon bell also, that will give you first notification of my videos. So guys, see you soon. We'll meet again with new hairstyling. Till then, bye bye. Take care.